सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक, हम आ गए वापस और हमारे साथ हैं अभी सुरैया जी, क्योंकि उनके साथ गुफ्तगू चल रही थी। तो सुरैया जी, आप वहाँ USA में ईद उल मिलाद उन नबी कैसे सेलिब्रेट करती हैं? और मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और इतना ये अहम दिन है, मतलब हम ये सारी कायनात के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कि मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसा पैगंबर भेज रहा हूँ जो कि सारी इंसानियत से अफजल होएगा, और सबके लिए उसके जो उसूल है, जो उसकी तालीम है ना, वो सबके लिए है। बिल्कुल। तो मैं USA में रहती हूँ, लेकिन 90% लोग इस्लामिक तरीके से वहाँ रहते हैं। वो बैंक सूद भी नहीं देते। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मैं बल्कि आप ब्रेक में कुछ मुझे बता रही थी, तो मैं चाहूँगी उस बात को भी ज़रा एलैबोरेट करें। एक तो मैं क्वेश्चन, अगर आप पहले हाँ। तो मैं रिपीट कर दूँ कि आज का हमारा जो सवाल था वो ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत कब अता हुई, तो इसका आप हमें कॉल करके आंसर दे सकते हैं। और आपको पता है इनाम क्या है? इनाम भी है और साथ साथ जो सबसे बड़ा इनाम, मैं इसको समझूंगी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनको प्रोस्थीसिस, वॉकर्स और व्हीलचेयर्स जो है आज मुफ्त दे रहे हैं। और सुरैया जी जो है वो स्पेशली इस चीज़ को देने के लिए आपको यहाँ पे आज बैठी, क्योंकि मुफ्त दी जा रही है। और नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, सपोज़ अगर कॉल नहीं मिल सके या कोई बात ना हो सके तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। जो नीडी हैं वो भी ख़ास तौर पे अगर कॉल पिक हो जाती है, बहुत सारे कॉल कॉलर्स हैं, तो कॉल अगर पिक हो जाती है तो आप उनका नाम, नंबर, एड्रेस लिखवा दें और ज़रूरत की जो आपकी चीज़ है, चाहे प्रोस्थीसिस है, वॉकर्स है, व्हीलचेयर है, तो वो हम आपको फिर भिजवा देंगे मुफ्त। एक कॉल इस साथ लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुरूज। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फिजा? ठीक ठाक। कराची से हैं आप? हाँ जी जी, आपकी रेगुलर कॉलर होना चाह रही हूँ ना। क्या हाल है मुरूज, क्या चल रहा है भाई? ठीक ठाक है। आज हम ईद मिलाद उन नबी मना रहे। हाँ, आपको सबको ईद मिलाद उन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और फिजा, पहले मैं आपको ना सवाल के जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मेरा पहले शायद आउट हो जाएगा। जी 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 जी। मैं 40 ईयर्स की उम्र में उन्हें नबुवत हासिल हुई थी। बाद में बताऊंगी जवाब तो, है ना कि सही। जी जी जी, मैंने वैसे तो पहले ही बता दी, तो बहुत आसान सा सवाल है। और मैं इंतजार करूंगी फिजा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ और कहना चाहेंगी? हाँ, ये है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं सबको ये देना चाहती हूँ एक एडवाइस कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत एक दफ़ा कर लें और सूरह मुज़म्मिल की तिलावत 3 दफ़ा करें। सूरह मुज़म्मिल से आपकी रोजी में बरकत होती है और सूरह यासीन की तिलावत से घर में बरकतें आती हैं। सुभान अल्लाह। जो जो मेरी आवाज़ें सुन रहा है वो प्लीज़ इस पर अमल करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अरे, आपको नेकियां भी मिल गई ये चीज़ बताने से। बहुत बहुत शुक्रिया अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस साथ साथ जो है ना, हमारी महंगाई भी चल रही है, क्योंकि महंगाई का पूरा हमने जो वीक है उसको मैं बार बार नहीं कहूँगी कि सेलिब्रेट किया, क्योंकि महंगाई कौन सेलिब्रेट करता है, मगर हमारे घरेलू हालात और दुनिया के, हमारे जो देखा जाए पाकिस्तान के हालात, तो तौबा, बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि महंगाई हम सेलिब्रेट ही कर रहे होते। तो हमने पूरी महंगाई जो है वो मनाई। और अब मैं परवेज़ भाई हैं, आज की मिठाई स्टाई है, जरा बताइए क्या मिठाई है? ये स्पेशल ईद मिलादुन नबी के लिए है। आज कोई दुकानदारी नहीं होगी। हाँ, सिर्फ मुंह मीठा कराया जाएगा जी, क्योंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हाँ, उस खुशी में ये मैं फ्री में बांट रहा हूँ आज। क्या बात है जी, एक इस महंगाई में आप बात महंगाई की है। महंगाई होती है जखीरा अंदोजी से। क्या बात, जो सख्ती से मना फरमाया है। बिल्कुल, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। बिल्कुल, कि ज़खीरा अंदोज़ी मत करो, ये जहन्नुम की आग है। अब ये देख लें कि ये जहन्नुम की आग हम किस तरह इकट्ठी कर रहे हैं, दुनिया में भी आखरत में भी। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि ज़खीरा अंदोज़ी न करें। सबको मिठाई हो, खाने पीने की दूसरी अशिया हो, रोजमर्रा की चीजें हो, ये महंगाई होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ जखीरा अंदोजी से होती है। बेशक। तो अगर इजाजत दें तो मैं सबका मुंह मीठा करूं। आए आए आप, मैं तो आपका इंतजार कर रही हूँ कि आज आप आए नहीं और बिल्कुल भी आपने अभी तक नहीं, इतनी अच्छी माशाल्लाह प्यारी प्यारी बातें। और देखें आप बिल्कुल आज के जो दिन, सबसे पहले बच्चियों को, लो बेटा ईद मिलादुन नबी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, और सब हमारे देखने वालों को भी हुजूर मुबारक हो। ले बेटा,
जमशेद, आपको मना तो नहीं मिठा? मुंह तो बहुत मीठा हो गया है जी, आप प्लीज और लीजिए मिठास के साथ। जब आप चख लूंगी थोड़ी सी कोई चीज ना तो मजा आ जाएगा, है ना। तो जमशेद साहब के बारे में मैं बताई थी कि मशहूर और मारूफ नाथ खां आजम चिश्ती साहब के साहबजादे हैं, जिनके खानदान को अल्लाह का कोई बहुत ही खास करम है कि सब माशाल्लाह सरफराज हैं, खूबसूरत आवाज़ और पुरअसर अंदाज से प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह। और आज हमारी इस महफिल में रौनक, मतलब रौनक ही बन कर आए, मैं तो यही कहूँगी कि आप अभी क्या नात पढ़ने जा रहे हैं? मैं वाले साहब की लिखी हुई एक नात पेश करता हूँ जी, तो आप भी सुन लें। और वाले साहब की शान में भी कुछ कहना चाहेंगे? बस उनकी शान में क्या कहूँ, वो तो समझ लें हमारी ज़िंदगी का असासा और हमारी पहचान उन्हीं के नाम से है। बहुत बहुत आला। तो नात जो है, है? नात पढ़ते हैं? नात पेश करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान उतरा आंगन में उनके, क्या कुछ नहीं है दामन में उनके। कुरान उतरा आंगन में उनके, क्या कुछ नहीं है दामन में उनके। इन्ना आतैना कल कौसर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह की फिजा फिजा।